कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का कोविड मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूसली लगा हुआ है कोविड को कंट्रोल करने के मामलात में। तो आज भी इसी सिलसिले में हम जैसे गए थे रिस साहब की हिदायत पे ही गए थे, तो वो बेसिक मकसद था हमारा कि कोविड फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको सप्लीमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जैसे इंडोर स्टेडियम में गए, वहाँ 120 बेड्स हैं हमारे हैं, तो वो सेटअप करने में उनको ऑक्सीजन बैकअप देने में वो तैयारियां वहाँ पे वो शुरुआत होगी। उसके साथ साथ जैसे भी मैरिज हॉल हमारा श्रीनगर है वहाँ भी 120 के आसपास हमारी बेड कैपेसिटी है, वहाँ पे उनको ऑक्सीजन लगवाना और बाकी तैयारियां। उसके साथ श्रीनगर में जो हॉस्पिटल हमारा छोटा मोटा वो भी कोविड फैसिलिटी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम हज हाउस में जो पहले वक्त में भी फैसिलिटी हमारी थी वो भी 100-125 आसपास के कैपेसिटी के बेड्स हैं वहाँ पे लगवा दिए वो। तो उसमें सीएमओ साहब, एससी, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूनसिपैलिटी हैं, वो सब लोग साथ हमारे थे। तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना जो रोल है उसमें निभाएगा और ये फैसिलिटी जो है उसके बाद जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जोकरा कैंपस है 300 बेड की कैपेसिटी है उसको एक्टिवेट कराना। तो उसी के साथ NIT में हमारे पौने 300 के बेड की कैपेसिटी है, अराउंड 1200-1300 के बेड कैपेसिटी के जो हमारे सपोर्टिंग ये रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी मुकम्मल तैयारी और उसको बैकअप देना ऑक्सीजन सिलेंडर्स के थ्रू। खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसी सिचुएशन जो दिल्ली या बाकी स्टेट्स में हो रही हैं, JNK में ऐसी ना हो, कम से कम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, तो बिल्कुल ही हम ये पोजीशन, हम ये हालात होने नहीं देंगे। सब मिलके काम करेंगे और अपने जो हमारे भाई बहन हैं जो भी यहाँ पे हैं जो इस परेशानी में मुब्तला होंगे, तो इंशाल्लाह सब मिलके इनको बाइज्जत तरीके से मैक्सिमम कोशिश करके उनको राहत देने की कोशिश करेंगे। Okay.